ফিকশনটাকেই কিন্তু বেশি ইউজ করা হয় ফ্যাক্টগুলোকে বাদ দিয়ে। আমার বায়োপিক মুভির মধ্যে এরকমই হয়ে থাকে। দিল মাঙ্গে মোর এই কোড নাম্বারটা কার্গিল যুদ্ধে ঘটনাটা ঘটেছিল এটা আমি স্বাগতম সবাইকে বিচারিকশনে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আজকে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে 10 থিং শীর্ষা গট ফ্যাকচুয়ালি রাইট অ্যান্ড রং ফ্যাক্ট ভার্সেস ফিকশন। এই ভিডিওতে আসলে তুমি দেখতে পারবে হচ্ছে যে কিছুদিন আগে যে মুভিটা বের হয়েছে শীর্ষা এর ফ্যাক্ট এবং ফিকশনের যে বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করবে মনে হচ্ছে। তো এই মুভিটি আমরা এখনও দেখিনি, তো এই মুভি সম্পর্কে আমরা এখনও কিছু বলতে পারছি না। আর এই ভিডিওটি আমাদেরকে দেখার জন্য অনুরোধ করেছে সাইনি বেরা, আর এটা আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল সোশ্যাল থেকে। তো ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটা আমাদের ভিডিও নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি ভিডিওটি। ওয়েলকাম টু সোশ্যাল। जब भी कोई बायोपिक बनती है तो ऑडियंस इस इंसान की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाती है जो उन्हें शायद पहले ना पता। काफी बार बायोपिक्स एक्यूरेटली उस पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, तो कभी मेकर्स फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें फिक्शनल स्टोरीज ऐड कर देते हैं। रिसेंटली रिलीज फिल्म शेरशाह जहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी और उनकी ब्रेव अचीवमेंट्स देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फैक्ट्स थे, यानी जो रियलिटी में भी हुए थे और फिल्म में दिखाए भी गए थे। अच्छा। वहीं फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फिक्शन थे, यानी कि वो चीजें जो रियलिटी में नहीं हुई पर फिल्म में दिखाई गई हैं। इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो वी रिकमेंड कि आप इस वीडियो को फिल्म देखने के बाद ही देखें। स्पॉयलर अलर्ट। ओह नो, हमने देख ही नहीं, तार आगे देख। दिल मांगे मोर। এটাই তো সমস্যা। दिल मांगे मोर। नंबर 1। फिल्म में जब विक्रम एक सीन में कहते नजर आते हैं, या तो मैं ये तिरंगा लहरा कर आऊँगा या उसमें लिपट कर आऊँगा, ये लाइन ऑलरेडी आइकॉनिक बन चुकी है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कभी ऐसा कुछ कहा होगा? इज इट फिक्शन और अ फैक्ट? वेल लेट अस टेल यू कि उन्होंने एग्जैक्टली ये लाइन रियलिटी में कही थी। सो दिस वाओ रियल लाइफ पे इतना बोले थे। आई रिमेंबर विक्रम टेलिंग वन ऑफ हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वेंट फॉर द कारगिल वॉर, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 2। फिल्म में जब 13JN की राइफल्स को .5140 कैप्चर करने का मिशन असाइन होता है, तो सभी सोल्जर्स को एक कोड नेम दिया जाता है। विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम एज अ कोड नेम दिया जाता है। তার মানে হচ্ছে এই নামটা তার হচ্ছে কোড নাম, এটা জানা ছিল না। দিল মাঙ্গে মোর। ওয়েল अगेन দিস ইজ আ ফ্যাক্ট। ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা নে রিয়েলিটি থি। उन दिनों पेप्सी का ये स्लोगन होता था एंड विक्रम बत्रा को ये स्लोगन बहुत पसंद था, इसीलिए जब उनसे उनका विक्ट्री सिग्नल पूछा गया तो उन्होंने ये दिल मांगे मोर को ही रखना सही समझा। उनसे सब पूछा करते थे दिल मांगे मोर तो चल सी लग जाओ, और उनका बस यही कहना होता था कि वंस आई टेक ओवर वन माउंटेन देन आई एम नॉट गोना स्टॉप देयर, इसीलिए ये दिल मांगे मोर वाज द परफेक्ट लाइन फॉर हिम। Success can always ye dil mange more, the guys were so highly charged up that they're wanting that some more mangas should have been there and we would have got the more chance. Number 3. .5140 ko capture karne ke baad jab Vikram wapas base par aate hain to dikhaya jata hai ki wo satellite phone se sabse pehla call Dimple ko karte hain. The scene was not a fact, it was a fiction. सबसे पहला कॉल विक्रम ने अपने फादर जीएल बत्रा को किया था एंड दिस हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट। जब विक्रम उन्हें कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं डैडी आई हैव कैप्चर्ड, पर सैटेलाइट फ़ोन होने की वजह से उनके फादर को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उन्हें लगता है कि विक्रम को किसी ने कैप्चर कर लिया है। एकदम से ये बात सुन के वो थोड़ा घबरा गए, बट उसी वक्त उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर विक्रम को एनिमीज ने कैप्चर कर लिया है तो वो कभी पेरेंट्स से उनकी बात नहीं कराएंगे। जी एल बत्रा जी ने फिर खुशी से विक्रम को कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू टू कैरी योर टास्क देयर। फिल्म में ये मोमेंट बिल्कुल नहीं दिखाया गया है एंड वी थिंक इट फिटेड वेल विद द सिचुएशन। विक्रम बत्रा वाज क्लोज टू हिज पेरेंट्स एंड ऐसे मिशन के बाद सबसे पहले कोई भी अपनी फैमिली को ही फोन करेगा। इट वुड हैव बीन नाइस अगर ये सीन फिल्म में दिखाया जाता, क्योंकि हमें विक्रम और उनकी फैमिली के बहुत कम सीन्स देखने को मिलते हैं।
So it would have perfectly made sense to include this one. हमें विक्रम और उनके मूवी देखा आगे शॉप जाने जाती जिससे ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट करती. पर फिल्म में इसकी जगह विक्रम को टेंपल को कॉल करते हुए दिखाया गया है, which was a fictionalized scene. Also, satellite phones के कॉल्स हमेशा छोटे रखे जाते हैं, keeping in mind Vikram was operating from a war site. But makers took the liberty to show a full-fledged conversation, जो उस टाइम पे satellite phone के साथ नहीं होती थी. नंबर फोर. फिल्म में एक सीन आता है जहां पाकिस्तानी आर्मी का एक सोल्जर शेरशाह को फोन करता है और उसे डराने की कोशिश करता है. ये सीन भी एक फैक्ट है और इसको तो खुद कैप्टन बत्रा ने हंसते हंसते बताया था. He said me my code name was शेरशाह. वो शेरशाह you have come. Don't try to come up otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge and my guys they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us. नंबर फाइव. शूटआउट के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर माधुरी दीक्षित का नाम मेंशन करता है और कहता है कि हमें तुम माधुरी दीक्षित दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे. दिस सीन इज ऑल्सो अ फैक्ट. एग्जैक्टली यही इंसिडेंट विशाल बत्रा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था और फिल्म में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है. पाकिस्तानी सोल्जर सेड you know we are going to beat you, we are going to throw you back and we will take away one of your most famous Bollywood heroines. Vikram lobbed a hand grenade very softly and said to all of you with love from Madhuri Dixit. Number 6. Starting mein hame dikhaya jata hai ki captain Vikram Batra ke brother Vishal Batra ek TEDx type event pe ek talk de rahe hote hain. Halanki unka character properly film ke end mein show kiya jata hai where you see him completing his speech. So was his speech a fact or fiction? This was a fact. विशाल बत्रा ने रियलिटी इवेंट पे स्पीच दी थी जिसका टाइटल माय ब्रदर माय प्राइड था. बिल्कुल उसी डिटेल को फॉलो करते हुए फिल्म में आप बैकग्राउंड में यही स्पीच का टाइटल देखते हैं. इट इज सो गुड टू सी कि विशाल का आउटफिट भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है जहां यू कैन नोटिस अ बैच ऑफ एन इंडियन फ्लैग ऑन हिज शर्ट. बिल्कुल वैसे ही फिल्म वर्जन में भी इस बैच को सिद्धार्थ के कैरेक्टर पर दिखाया गया है. To define the character of a true leader and army officer. Number 7. Film mein Vikram aur Dimple ke kai romantic scenes dikhaye gaye hain. Jaise jab Vikram aur Dimple gurudwara visit karte hain to parikrama karte hue Vikram Dimple ka dupatta pakad lete hain. Baad mein Vikram reveals ki meri aur tumhari shaadi ho chuki hai kyunki humne char phere ek saath le liye hain. Just if you don't know, Sikhism mein marriage ke liye char phere lene hote hain aur Hindu marriage mein 7. Watching this scene made everyone think that did it happen in real or not. So let us tell you that this is not fiction. This is a fact. Dimple ji, this is also a fact. On one such visit to the Gurdwara, while doing a parikrama of the Nishan Sahib, he was walking behind me. On completing the parikrama, he suddenly said, "Congratulations, Mrs. Batra." I swirled around to see him holding one end of my dupatta. He gave me a very beautiful smile and said, "Didn't you realize this is the fourth time that we are doing this parikrama?" Needless to say, it left me totally speechless. So that was the level of dedication and commitment he had towards our relationship. इसके अलावा भी एक सीन है जहां पर्सनालिटी मांग अपने थंब को कट करके खून से भर देते हैं. While watching this film, we all actually thought that this might be a fictional scene और स्टोरी को ड्रामेटाइज करने के लिए ये ऐड किया गया है क्योंकि ऐसा रियलिटी में कौन ही करता. But to our amazement, this was also a fact. Oh my god, আমি তো দেখে এখন তো মুভিটা দেখার ইচ্ছা করছে. So without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb and filled my mang with his blood. So that is the most cherished moment of my life till date. Though later on I used to tease him that he is pura filmy. Number 8. फिल्म में दिखाया गया है कि विक्रम अपने डाइंग मोमेंट्स में 0.4875 को कैप्चर होते हुए देखते हैं जहां इंडियन आर्मी अपना झंडा लहरा रही होती है. पर रियलिटी में कैप्टन बत्रा गॉट मार्टियर्ड बिफोर दे कुड कैप्चर द मोमेंट. फिल्म में विक्रम के कैरेक्टर को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए उन्हें उस वक्त जिंदा दिखाया जाता है वेयर ही इज सीन स्माइलिंग. समवट इट वॉज अ परफेक्ट एंडिंग फॉर अ फिल्म बट इन रियलिटी सिचुएशंस एंड टाइमिंग्स आर नॉट ऑलवेज दिस एक्यूरेट. कैप्टन बत्रा ने खुद 5 दुश्मनों को आखिरी मोमेंट में मार गिराया था पर वो एक हिडन स्नाइपर को नोटिस नहीं कर पाए. ही डाइड ऑन द स्पॉट और उसके थोड़े टाइम बाद उनके बाकी सोल्जर्स ने 0.4875 को कैप्चर कर लिया था. नंबर 9. 0.5140 को कैप्चर करने के वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ फिल्म में विक्रम अकेले 3 सोल्जर्स को हाथों से मार देता है. वॉट अ थ्रिलिंग सीन इट वॉज.
जो ऑडियंस फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देख रही होगी तो उन्हें लगा होगा कि ये सिचुएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विक्रम बत्रा को तीनों सोल्जर्स हर तरफ से अटैक कर देते हैं और उस बंकर का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें तीन लोगों के साथ लड़ना काफी मुश्किल है। द सीन इन फैक्ट इज अ फैक्ट। कैप्टन बत्रा ने खुद बिना डरे तीन पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था। उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में तो वहां पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई दो तीन पाकिस्तानी के साथ, और पता चला था हमें कि उन्होंने तीन पाकिस्तानी को यू नो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। नंबर 10, फिल्म में दिखाया जाता है कि नवीन नगप्पा को एक ग्रेनेड लग जाती है जिससे उनका पैर सिवियरली इंजर्ड हो जाता है और उनको बचाने के लिए विक्रम आते हैं एंड ही सेव्स हिज लाइफ एंड अश्योर्स हिम दैट ही इज गोना स्टे अलाइव। इसके बाद वो आगे पीक पे क्लाइंब करते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को अटैक करते हैं, पर इसी बीच एक JCO यानी कि जूनियर कमीशनड ऑफिसर घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए ही विक्रम एनिमीज की फायरिंग लाइन में आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक गोली भी लग जाती है, पर एट द एंड वो उसे बचाकर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। This is a sad truth, but ये पूरी सिचुएशन जो कि फिल्म में दिखाई गई है ये एक फैक्ट है और मेकर्स ने उनका डेथ सीन बिल्कुल भी फिक्शनलाइज नहीं किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा वॉज अ ब्रेव सोल्जर एंड ही मार्टियर्ड हिज लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। फिल्म में अगर इतने सारी सिचुएशंस को रियलिस्टिक सिचुएशंस के हिसाब से ही दिखाया गया है, दैट मींस दैट दिस इज अ परफेक्ट ट्रिब्यूट टू द लेगेसी ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। ही विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन। वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑल अमेज्ड टू सी कि कैसे शेरशाह में रियलिटी को ज्यादा फिक्शनलाइज नहीं किया गया है। दिस इज वेरी रेयर फॉर अ बॉलीवुड फिल्म टू बी दिस ट्रू टू रियल लाइफ। फैक्ट वर्सेस फिक्शन हमारी नई सीरीज है, सो अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा आता है तो हम इस सीरीज को और फिल्म के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। আমাদেরকে বলা হয়েছিল ভিডিও শুরুতে যে আমরা যদি মুভিটা না দেখে থাকি তাহলে মুভিটা দেখার পর যেন ভিডিওটা দেখা হয়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে মুভিটা না দেখে ভিডিওটা দেখেছি ফ্যাক্ট এবং ফিকশন নিয়ে শেরশাহ মুভির বিষয়টা। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা দেখে আমার এখন মুভিটা দেখার আগ্রহটা বেড়ে গেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক সময় হয় না, যেটা ভিডিওতেও বললো যে আমরা আসলে ফিকশনটাকেই কিন্তু বেশি ইউজ করা হয় ফ্যাক্টগুলোকে বাদ দিয়ে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে একটা দুটো ফিকশন ছাড়াই বাকিটাই কিন্তু তার লাইফটাকে তুলে ধরা হয়েছে। তো এবং বায়োপিক মুভির মধ্যে এরকমই হয়ে থাকে মূলত না, অনেক সময় যেটা বায়োপিক মুভি তো দেখা যায় যে এটাকে দর্শকদের কাছে তুলে ধরার জন্য একটু মজাদার করার জন্য এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফিকশন বেঁধে দেয়। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই মুভিতে যে এটা করেনি সেটার কারণে মানে ভালো লাগছে যে জেনে যে না একটা মানুষের লাইফটাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে এখানে, আর সে যেহেতু একজন বীর যোদ্ধা তার লাইফটা আসলে সেই বীরত্ব গাথার মতো তুলে ধরা উচিত যাতে সবাই তার মতো সৈনিক যারা আছে তাকে দেখে আরও সামনের দিকে এগোতে পারে, ইন্সপায়ার হয়। এবং মুভিতে কিন্তু দেখিয়েছে যতটুকু শুনে বুঝলাম যে আসলে এখানে বিক্রম বাতরা হচ্ছে যুদ্ধ থেকে ব্যাক করছে, কিন্তু অরিজিনালি যেটা বললো যে তিনি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে না, এটা যুদ্ধ থেকে ব্যাক করছে সেরকম কোনো কিছু না, এটা একটা যুদ্ধের সেনাবাহিনীর কিছুদিন সময় ছুটি থাকে এক মাস এরকম আমি যেটা জেনেছি, তো সেরকম ছুটিতে যখন সে এসেছিল তখন আর কি সে তার ফ্যামিলির সঙ্গে সময় কাটানোর এখানে তার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে হয়তো সেই সময়টাকে দেখিয়েছে, আর সেখান থেকে সে আবার তার কাজে ফিরে যাচ্ছিল তখনকার হয়তো সময়টাকে দেখিয়েছে, বাট সে যুদ্ধর ময়দান থেকে সে ফিরে আসেনি। এবং আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে তার দিল মাঙ্গে মোর এই কোড নাম্বারটা সিলেক্ট করা। অ্যাকচুয়ালি ওই সময় পেপসির অ্যাডে এটা অনেক বেশি চলছিল, এটা হচ্ছে 90s সময়ের ঘটনা, তো ওই সময় পেপসির অ্যাডটা ওই ডায়লগটা দিয়ে অনেক চলছিল। আর মাধুরী দীক্ষিতের ব্যাপারে আমি অনেকবার শুনেছি যে কোনো একটা কারণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সব মাধুরী দীক্ষিতকে চেয়েছিল, তো তখন ছোট ছিল সেজন্য আসলে এটা রিয়েলাইজ করতে পারে না যে আসলে এটা কি বিষয় নিয়ে ইন্ডিয়া। হ্যাঁ আসলে তখন এতটা বুঝিনি, এবং যে ওনাদের এই কার্গিল যুদ্ধেই ঘটনাটা ঘটেছিল এটা আমি আমার জানা ছিল না, এটা নতুন করে জানলাম। অ্যাকচুয়ালি বিক্রম বার্তার সম্পর্কে আমরা আসলে কিন্তু অনেক কিছুই জানলাম এখানে, তার যে আরো বেশি জানতে পারবো যখন মুভিটা দেখবো। না অ্যাকচুয়ালি তিনি যে কথাও রেখেছে তার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে, বা যেভাবে উনি মনে হচ্ছে যে উনি খুব মজার মানুষও ছিল, কারণ গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে সে কিন্তু ঘুরতে ঘুরতেই তাকে বিয়ে করে ফেলেছে, বলছে যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি কি বুঝতে পারছো না যে আমরা চার পাক ঘুরে ফেলেছি। তো আমার কাছে মনে হয়েছে সে তার লাইফটাকে এনজয় করেছে। হ্যাঁ
তিনি একজন মজার মানুষ ছিলেন, কেননা আমরা মুভিতে যেরকম দেখি তিনি বাস্তবে সেই জিনিসটা করেছে। যেমন আমরা মুভিতে দেখে থাকি যে হাত কেটে সিঁদুর দেন, হ্যাঁ নায়করা মানে হাতটাত কেটে সিঁদুর পরিয়ে দেয়, উনি তার রিয়েল লাইফেও ঠিক সেম কাজটা করেছে। ওভারঅল সোশ্যালের যে ভিডিওটা ছিল ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিকশন, ভিডিওটা অনেক ভালো হয়েছে এবং তারা বলেছে যে ইন ফিউচারে তারা এই ধরনের আরও ভিডিও বানাবে। এই শেষা মুভিতে যেটা ভিডিওটা তৈরি করেছে, ভিডিওটা অনেক পপুলার হয়েছে এবং অনেকে পছন্দ করেছে এবং আমরাও পছন্দ করেছি, সেজন্য আমরা ভিডিওটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। ওনার আর একটা জিনিস যেটা ভালো লেগেছে যে ছোট একটা বাংকারের মধ্যে উনি কিন্তু হাত দিয়ে তিনজনের সঙ্গে কিন্তু লড়াই করেছে। তা আমার কাছে মনে হয় যে ছোট বাংকার থাকলে কিন্তু সেই জায়গাতে নড়াচড়া করা সম্ভব হয় না, তো তিনজনের সঙ্গে সে উনি যুদ্ধ করে এখান থেকে কিন্তু উতরে উঠেছিল, সেটাও কিন্তু একটা বড় ব্যাপার একজন সেনার জন্য। হ্যাঁ, এবং উনি কিন্তু ওনার ফ্রেন্ডকে বাঁচিয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে। উনি নিজেকে যেমন প্রোটেক্ট করছে এবং যুদ্ধ করছে, পাশাপাশি আশেপাশে তার যে সমস্ত সৈনিক ছিল, যারা কলিগ ছিল, তাদেরকেও কিন্তু তিনি সমানভাবে হেল্প করছিলেন। তো আজকের আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়।